सभी साथियों का नरवाणा की आवाज़ में एक बार फिर स्वागत है। मैं बिट्टू सिंह चौहान आज आपको नरवाणा का इकलौता पार्क नेहरू पार्क में लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार है के झूले है और यहाँ पर क्या व्यवस्था है, और जो नगर परिषद द्वारा यहाँ का जो इसकी संभाल करती है नगर परिषद, उसके द्वारा इसकी देख रेख कैसे की जा रही है, और यहाँ क्या क्या समस्या है लोगों को, और यहाँ किस प्रकार की का वातावरण है। हम आपको पूरी डिटेल में यहाँ की जानकारी देंगे और आपको यहाँ का जो पार्क का मुआयना कराएंगे कि नेहरू पार्क निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या लोगों को फैसिलिटी मिल रही है। आप देखते हैं यहाँ पर लोगों के लिए ओपन जिम लगाई हुई है, और आप देखते हैं जिम है तकरीबन सारी जर्जर हालत में है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, ये जो बिल्कुल पूरी तरह से टूटा पड़ा है, और ये देखो यहाँ पर जर लगा हुआ है, कभी भी किसी से ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये देखो सब, इसके अलावा मोर भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर समस्या है जो लगातार आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते दूसरा जो ये है जिम, ओपन जिम के लिए ये लोगों की सुविधा के लिए बनाया हुआ था, और आज देख सकते हैं कि किस प्रकार टूटा हुआ है इस, और इसको लेकर नगर परिषद बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रही है। नगर परिषद नरवाणा का अगर हम देखें तो पूरी कार्य प्रणाली पर सवाल उठता है, और आप देखते हैं ये भी झूठ से टूटा हुआ है, और इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर घास है जो बिल्कुल बड़ी बड़ी हुई है, और यहाँ पर लगातार आप जो यहाँ का दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, और हम आपको और भी यहाँ का जो मुआयना कराएंगे उस किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था मुझके आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो नगर परिषद नरवाणा के अंडर में ये नेहरू पार्क आता है, नेहरू पार्क के अंदर सुबह शाम लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, और शाम के समय तो बहुत ही बच्चे यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आज ये नेहरू पार्क अपनी दहली पर आंसू बहा रहा है, और ये देखते कि झूले के दो टुकड़े हो चुके हैं यहाँ पर। ये कैमरामैन से कहूँगा वो बिल्कुल दिखाएगी कि यहाँ पर झूला है जो बिल्कुल टूट चुका है, दो टुकड़े हो चुके हैं, और आवारा कुत्तों का भी यहाँ पर आतक देखते आप, आवारा कुत्ते यहाँ पर है, आप देखते कि आवारा कुत्ते हैं, अगर कोई बच्चे को या किसी को काट लिया तो इसका कौन जिम्मेवार होगा, यह भी एक नगर परिषद पर सवाल है। जिस प्रकार नगर परिषद ने लाखों रुपए लगाकर यहाँ पर झूलों के ओपन जिम की व्यवस्था की थी, आप उसका हाल देख सकते हैं। ये यहाँ पर झूला है, एक झूला पूरी तरह से टूट चुका है, और दूसरा झूला भी कंडम हालत में ही दिख रहा है तकरीबन। आप देखते हैं यहाँ पर एक झूला का जो एक साइड है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी है। इसके अलावा हम और भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, पानी देखते हैं, अब यहाँ पर पानी भरा हुआ था और यह तो बिल्कुल सूख चुका है, लेकिन अब जैसे बारिश का जो पानी है उसकी भी कोई निकासी नहीं है। इसके अलावा और भी झूले देखते हैं, अब ये बच्चों के लिए छोटा झूला है जो बिल्कुल टूट चुका है, और आप इसकी हालत देख सकते हैं। इसके अलावा एक झूला और यहाँ पर वो भी टूट चुका है, ये देखते कि आप किस प्रकार, कैमरामैन सीखूंगा मैं इसको दिखाई, ये भी झूला पूरी तरह से टूट चुका है। अगर बात की जाए नगर परिषद नरवाणा में तो किसी प्रकार की कोई देख रेख नहीं कर रही नेहरू पार्क की, नेहरू पार्क की जो हालत है वो बिल्कुल कंडम हो चुकी है। हम और भी आपको यहाँ का मुआयना कराएंगे, एक झूला ये इधर देखते कि आप ये भी टूटा पड़ा है, और आप देखते हैं यहाँ पर छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर खेलने कूदने के लिए आते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, नेहरू पार्क के बारे में क्या कहना आपका, जो यहाँ पर झूले टूटे पड़े हैं सारे, इसके बारे में क्या कहना आपका? नहीं, आप बच्चे को लेके आते हो डेली? आते नहीं आते डेली, अभी आया था। तो बच्चे को लेके आए आप, यहाँ पर झूले टूटे पड़े हैं सारे, तो बच्चों को कहाँ झुलाऊंगे आप? भैया पता नहीं जो लेते हैं। आप देखते लोग भी यहाँ पर बोलने से कतराते हैं ताकि किसी प्रकार के जो शहर का लोकल व्यवहार वो खत्म ना हो, और ये देखते ये झूले भी टूटा पड़ा है, और यहाँ पर देखते लोग भी यहाँ पर ताश खेल रहे हैं। मैं सामने दिखाऊंगा कि यहाँ पर बिल्कुल ताश खेल रहे हैं, उधर दिखाओ सुभाष जी, सामने यहाँ पर ताश खेल रहे हैं, और लोग पूरे दिन यहाँ पर ताश खेलते रहते हैं। इस आपको नगर परिषद नरवाणा के अंतर्गत जो नेहरू पार्क आता है उसका जो शौचालय है उसकी भी दशा दिखाएंगे, और आप सबसे पहले देखते ही बाहर निकलते ही जो ये टंकी है बिल्कुल टूटी पड़ी है, पानी की जो सप्लाई के लिए टंकी थी वो बिल्कुल टूटी पड़ी है, और इसके अलावा आप देखते ही यहाँ पर खड्डा बना हुआ, और एक और ख़ास बात बता दी कि आप यहाँ पर शराब की बोतलें भी पड़ी हुई है, आप देखते कि जो शराब की बोतल है तो यहाँ पर शराबियों का भी अड्डा बना हुआ है, और यहाँ पर शराबी लोग हैं जो वो भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई पुलिस प्रशासन द्वारा भी कोई प्रबंध नहीं है। हम अंदर का दृश्य दिखाना चाहेंगे, जो शौचालय का अंदर का दृश्य आप देखते किस प्रकार सारी टूंटियाँ भी टूटी पड़ी है, पाइप लाइन टूटी पड़ी है, हालांकि आज सफाई की हुई है, लेकिन फिर भी जो इसकी हालत है वो बिल्कुल खस्ता है। गेट है बिल्कुल, शौचालय के जो गेट है वो टूटे पड़े हैं, शौचालय के जो गेट है उनमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आप देख सकते कि जो ये तस्वीरें हैं नेहरू पार्क के शौचालय की, जहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है,
और आपको बता दिए पुरुष शौचालय है, महिला शौचालय है और पड़ता उसमें भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे कैंटीन है, जो नेहरू पार्क में कैंटीन बनाई गई थी वो कैंटीन भी आज बंद पड़ी है, और कैंटीन बंद हो जिसके कारण लोगों को भी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।